हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल फिर से लेके आई हूँ मैं आप लोगों के लिए एक और न्यू डोर में डिजाइन ये जो डिजाइन है ना आप लोगों को यूट्यूब पे किसी भी चैनल पे देखने को नहीं मिलेगा पहली बार मैं ही शेयर कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही अलग अलग और नए नए डिजाइन ले के आऊँ तो देखिए यहाँ पर मैं दो कलर से बना रही हूँ आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर लगा सकते हो तो देखिए यहाँ पर जो ये मैंने कलर लगाया है ना ये आपको वाइट कलर दिख रहा होगा बट ये बेबी पिंक कलर है सामने से दिखा दूँ आप लोगों को देखिए बहुत ही इजी और बहुत ही खूबसूरत है फ्रंट साइड और बैक साथ से भी ऊन तो मेरी बारीक थी तो मैंने इस तरीके से डबल कर लिया है दोनों ऊन मैंने डबल की हुई है देखिए अगर आपके पास मोटी वूल है थिक वूल है तो आपने क्या करना है सिंगल धागे से ही बना लेना है मैं आठ नंबर की सिलाई से बना रही हूँ इसको अगर आपके पास आठ नंबर की सिलाई नहीं है तो आप नौ नंबर की सिलाई से भी बना सकते हो आप चाहो तो इसको पुरानी साड़ी चुन्नी से भी बना सकते हो उस पर भी देखिए आपने क्या करना है इसी तरीके से दो अलग अलग कलर लगा लेने हैं जो भी कलर आपको पसंद है और उस पर आपने सिक्स नंबर की सिलाई लगानी है तो आपका जो डोरमेट है वो परफेक्ट बन के आएगा आप लोगों ने बनाना ऐसे ही है जैसे मैं बताऊँगी ना आप लोगों को सिर्फ आपने ऊन की जगह जैसे हम ऊन से बना रहे हैं तो आपने क्या करना है जो हमारी पुरानी साड़ी चुन्नी होती है उससे बना लेना है तो यहाँ पे देखिए मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से ही बताऊंगी मैं हर वीडियो में बोलती हूँ आप लोगों को फिर से बोल रही हूँ मैं स्टार्टिंग से बताऊंगी जैसे मैंने यहाँ से बनाया था ना देखिए आप लोगों को एक कली बनाना सीख लेना है सारी कलियाँ एक जैसी ही बनानी है तो मैं यहाँ से जब यहाँ से आपको बताऊँगी ना तो यहाँ पे जो मैंने फर्स्ट रो बनाई थी ना बस यहीं से ही स्टार्ट करूँगी तो आप लोगों ने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है अगर आप लोगों ने जैसे जैसे मैं बताती हूँ ना वैसे वैसे आप लोग स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए तो आप लोगों को सच में बहुत ही ईजी लगेगा डोरमेट बनाना और वैसे भी ईजी है और, और भी ज़्यादा ईजी लगेगा तो आपने क्या करना है जैसे जैसे मैं बताती हूँ वैसे वैसे बनाते जाइए तो बिल्कुल परफेक्ट और ईजिली आपका जो डोरमेट है वो बन जाएगा तो देखिए यहाँ पर मेरे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ नौ कलियाँ यहाँ पे मेरी बन गई हैं एक कली बनाऊंगी तो मेरा ये जो डोरमेट है वो बनके कंप्लीट हो जाएगा और ये जो नीचे की ये हैं ये भी नौ है देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ ये वाली कली और ये वाली कली साथ में ही बनेगी तो मैं आप लोगों को यहाँ से स्टार्टिंग से बताऊँगी तो देखिए आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए आप लोग समझ लीजिए यहाँ पे मैंने फंदे डाले हुए हैं देखिए मैंने एक ही कलर से फंदे डाले हुए हैं और इतना ध्यान रखना थोड़े से फंदे लूज रखना ज़्यादा टाइट नहीं करना है तो मैं देखिए यहाँ पे सबसे पहले फंदे काउंट करके दिखा देती हूँ देखिए दो चार छः आठ दस बारह चौदह सोलह अठारह बीस बाईस चौबीस चौबीस फंदों में बना रही हूँ यहाँ पे आप लोगों ने इतना ध्यान रखना है जब भी फंदे डालो ना ये हमने जोड़े में डालने हैं क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ से फंदे डिवाइड हो जाएंगे तो देखिए हमने क्या कर रखा है बारह फंदे मैंने इस साइड को रखे हैं बारह फंदे इस साइड को तो ये चौबीस फंदों का है अगर आपने इससे बड़ा बनाना है तो क्या करना होगा देख जैसे यहाँ पे मैंने बारह रखे हैं तो आप सोलह फंदे रख लीजिए सोलह फंदे इस साइड को रख लीजिए तो आपने सोलह दुनी बत्तीस फंदों का बना लेना है अगर उससे भी बड़ा चाहिए तो आपने क्या करना है अठारह फंदे इस साइड को रख लेने हैं अठारह फंदे इस साइड को रख लेने हैं तो इतना ध्यान रखना जब भी फंदे डाल तो आपने जोड़े में फंदे डालने हैं यहां पे हम चार के मल्टीपल के हिसाब से ही फंदे रखेंगे आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा फंदे हमने कैसे डालने हैं तो देखिए वीडियो को ज्यादा लंबी नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट रो तो देखिए फर्स्ट रो हमने क्या करना है पहला फंदा उतार लेना है और उसके बाद फ्रंट साइड से हमने पूरी रो उल्टा उल्टा बना लेना है और लास्ट का एक फंदा सीधा बनाएंगे जो ये वाला फंदा है ना वो हर बारी सीधा बनेगा देखिए फर्स्ट रो हमने फ्रंट साइड से कंप्लीट कर ली है लास्ट का फंदा हमने सीधा बना लेना है देखिए इसको हमने फ्रंट साइड से सीधा बनाना है और बैक साइड से क्या करना है बिना बुने उतार लेना है उससे क्या होगा जो ये हमारी किनारी है ना बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बन के आएगी तो आप लोगों ने इसको फ्रंट साइड से सीधा बनाना है फंदे को बैक साइड से उतार लेना है देखिए दोस्तों जब भी आप कोई भी चीज़ बनाना चाहे डोरमेट है स्वेटर है तो आप लोगों ने बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बनाना है तो उससे क्या होगा बहुत ही खूबसूरत लगेगा जो भी आप बना रहे हो तो देखिए अब हम हम काउंट करेंगे और ये हमारी बैक साइड है तो देखिये एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस और ये बाईस देखिए चौबीस फंदे थे उसमें से हमने बाईस फंदे बना लिए दो फंदे हमने बिना बुने छोड़ देने हैं अब यहीं से ही आ जाएंगे हम फ्रंट साइड पे देखिए धागे को अपनी तरफ करेंगे अब ये वाला फंदा हम बिना बुने उतारेंगे और इसको भी हमने काउंट कर लेना है देखिए एक दो ये जो डिज़ाइन है ना ये जो ये वाली कली है अभी हम ये वाली कली बना रहे हैं ना ये दोनों साइड से आएगी तो देखिए यहाँ पे हमने दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस और ये बीस देखिए इस साइड भी हमने फ्रंट साइड से दो फंदे बिना बुने छोड़ देने हैं देखिए हमने बैक साइड पे दो फंदे यहाँ पे छोड़े और दो फंदे यहाँ पे छोड़े अब यहीं से आ जाएंगे बैक साइड पे अगेन हमने पहला फंदा उतारना है उसके बाद देखिए एक दो ये उतारा फंदा भी काउंट कर लेंगे तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह और ये अठारह फिर से हमने दो फंदे यहाँ पे छोड़ देने हैं देखिए अब तक हमने इस साइड को चार फंदे छोड़ दिए हैं अब आ जाएंगे फ्रंट साइड पे फिर से देखिए पहला फंदा उतारेंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह और ये चौदह पंद्रह सोलह फिर से हमने दो फंदे यहाँ पे बिना बुने छोड़ देने देखिए अब हमारे दो फंदे हमने देखिए दो बार हमने इस साइड को फंदे छोड़े चार फंदे और चार फंदे इस साइड को छूट गए हैं हमारे दो बार हमने दोनों साइड से फंदे छोड़ दिए हैं अब आ जाएंगे बैक साइड पे अगेन हमने पहला फंदा उतारा एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह और ये चौदह फिर से हमने दो फंदे बिना बुने छोड़ देने हैं आ जाएंगे फ्रंट साइड पे फिर से देखे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह और ये बारह फिर से हमने दो फंदे बिना बुने छोड़ देने हैं यहीं से ही आ जाएंगे हम फ्रंट साइड पे, फिर से हमने देखे यहाँ पे पहला फंदा उतारेंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ और ये दस फिर से दो फंदे छोड़ देंगे फिर से देखिए फ्रंट साइड पे आएंगे. पहला फंदा उतारेंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात और ये आठ फिर से दो फंदे छोड़ देंगे देखिए हम हर बार क्या कर रहे हैं फ्रंट साइड से भी बैक साइड से भी लास्ट के दो फंदे छोड़ दे रहे हैं देखिए पहला फंदा उतारा एक दो तीन चार पाँच और ये छः फिर से आ जाएंगे फ्रंट साइड पे, फ्रंट साइड पे अब हमने क्या करना है देखिए पहला फंदा उतारा एक दो तीन और ये चार चार फंदे बनाए फिर से दो फंदे छोड़ देने हैं अब यहीं से आ जाएंगे हम बैक साइड पे तो देखिए अब हमारे यहाँ पे चार फंदे हैं देखिए दो चार और यहाँ पे हमने एक दो तीन चार पाँच पाँच बार इस साइड को फंदे छोड़े हैं तो ये दस फंदे हैं क्योंकि दो दो फंदे हैं तो इसी तरीके से देखिए एक दो तीन चार और ये पाँच पाँच बार हमने इस साइड को भी फंदे छोड़ दिए हैं तो ये हमारे दस फंदे हैं अब हमारे बीच में देखिए चार फंदे बचे हैं तो अब हम क्या करेंगे पहला फंदा उतारेंगे एक फंदा हम उल्टा बना लेंगे तो अब हमारे दो फंदे फिर से छोड़ देने हैं अब देखिए हमारे ना आधे आधे फंदे डिवाइड हो गए हैं तो यहाँ पे देखिए छः बार फंदे छोड़े हैं और ये बारह फंदे हैं देखिए एक दो तीन चार पाँच छः छः बार फंदे छोड़े तो ये दो दो फंदे हैं तो बारह फंदे और इस साइड को भी देखिए एक दो तीन चार पाँच छः छः बार फंदे छोड़े हैं तो दो दो फंदे हैं तो ये बारह फंदे अब यहाँ से ध्यान से देखना आप लोग क्या करेंगे यहीं से ही आ जाएंगे हम फ्रंट साइड पे अब हमने क्या करना है ये जो बारह फंदे हैं ना इस साइड वाले इनको हमने बिना बुने सिलाई पे उतार लेना है देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह और ये बारह बारह फंदे उतार लिए अब हमने क्या करना है ध्यान से देखना अब हमने ये वाली कली हमारी बन गई है जो ये वाली कली है ना ये बन गई है अब हमने ये वाली कली बनानी है दूसरी वाली तो उसके लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले कलर चेंज करेंगे आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर लगा सकते हो इस पर तो देखिए हमने सिलाई को इस तरीके से रख लेना है और यहाँ पे सिलाई को इस तरीके से रखेंगे एक फंदा उल्टा बनाएंगे तो उसके बाद हमने देखिए दूसरा फंदा बनाना है उससे पहले क्या करेंगे सिलाई को Uh, सिलाई पे देखिए धागे को लपेट लेंगे और एक फंदा बढ़ाते हुए नेक्स्ट फंदा उल्टा बनाएंगे तो देखिए ये हमारे एक दो तीन फंदे हो गए तो तीन फंदे हो गए उसके बाद देखिए चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह और ये तेरह जो हमने बिना बुने फंदे उतारे थे ना बारह फंदे वो अब हमने ये पिंक कलर से बना लिए बारह फंदे वो प्लस हमने एक फंदा जो ये बढ़ाया था इसको भी हमने साथ में ही काउंट कर लिया है तो ये हमारे तेरह फंदे हो गए अब हमने कुछ भी नहीं करना है देखिए यहीं से ही आ जाएंगे फ्रंट साइड पर फ्रंट साइड पर अब हमने देखे पहला फंदा उल्टा बनाया और ये जो तेरह फंदे हमने पिंक कलर से बनाए थे ना फ्रंट साइड से इनको हमने सारे ही पिंक कलर से ही बना लेना है अभी देखिए सिर्फ हमने बैक साइड पे डिजाइन डालना होगा फ्रंट साइड पे जो फंदा जैसा है वैसे बना लेना है आ जाएंगे बैक साइड पे, बैक साइड पे फिर से देखिए हमने क्या करना है सिलाई को इस तरीके से डालना है धागे को लपेटते हुए एक फंदा बढ़ा लेंगे तो देखिए हमारे इस फंदे को भी काउंट करेंगे बढ़ाए हुए फंदे को नेक्स्ट फंदा उल्टा बनाएंगे तो ये हमारे दो फंदे हो गए तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह और ये बारह बारह फंदे और दो फंदे हमने बिना बुने छोड़ देने हैं यहीं से ही आ जाएंगे फ्रंट साइड पे पहला फंदा उतारा बाकी के फंदे हम पिंक कलर से बना के कंप्लीट कर लेंगे तो आप लोग ध्यान से देखना क्योंकि मैं फ्रंट साइड से अब नहीं बना के दिखाऊंगी क्योंकि जो फंदे जैसे हैं ना वैसे ही हमने बना लेने हैं लास्ट फंदा सीधा बनाएंगे तो देखिए फिर से आ जाएंगे बैक साइड पे अगेन हमने एक फंदा बढ़ाना है धागा लपेटते हुए देखिए अब तक हमने ये तीन फंदे बढ़ा लिए हैं तो देखिए एक दो तीन अब हम क्या करेंगे बैक साइड पे हर बार एक फंदा बढ़ाएंगे दो फंदे हमने यहाँ पे छोड़ देने हैं तो देखिए तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस और ये ग्यारह फिर से हमने दो फंदे छोड़ देने हैं अब यहीं से ही आ जाएंगे हम फ्रंट साइड पे पूरी रो बना के कंप्लीट कर लेंगे तो देखिए फिर से आ गए बैक साइड पे। अब हमने क्या करना है देखिए यहाँ पे हमने दो चार चार फंदे छोड़ दिए हैं दो बार छोड़े ना दो दो फंदे हैं ये हमारे चार फंदे हो गए अब हमने क्या करना है देखिए फिर से हमने यहाँ पे सबसे पहले तो एक फंदा बढ़ा लेना है देखिए धागा लपेटते तो हुए फंदा बढ़ाएंगे और देखिए एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे एक फंदा और बना लेंगे देखिए तीन फंदे हमने पिंक कलर से बना लिए अब क्या करेंगे हमने कलर चेंज करना है फिर से देखिए ये जो हम ये कलर लगा रहे थे ना उस कलर को यहाँ पर अटैच कर लेना है और देखिए यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच छ और ये सात सात फंदे हमने देखे इस कलर से बनाए और हमने यहाँ पे दो फंदे छोड़ दिए तो अब हमारे देखे पिंक से यहाँ पे दो चार छः छः फंदे हमने अब तक छोड़ दिए हैं और आ जाएंगे फ्रंट साइड पे आपको पता ही है जो फंदा जैसा है बना के हम कंप्लीट कर लेंगे देखिए फिर से आ गए बैक साइड पे अगेन हमने बैक साइड पे देखिए फिर से ये यहाँ पे धागे को लपेटते हुए एक फंदा बढ़ाना है और नेक्स्ट फंदा उल्टा बनाएंगे तीन फंदे हम पिंक कलर से बनाएंगे देखिए एक दो एक फंदा और बनाएंगे अब हमारे देखिए यहाँ पे एक फंदा बच गया तो इसको हमने इस कलर से बना लेना है तो देखिए एक दो तीन चार और साथ साथ में ये जो धागा है इसको भी हमने इसके साथ अटैच कर लेना है देखिए पाँच छ छः फंदे बना लिए अब दो फंदे हमने इस कलर वाले को भी छोड़ देना है देखिए दो फंदे छोड़ दिए फ्रंट साइड पे आएंगे देखिए पहला फंदा उतारा एक रो में दिखा देती हूँ कि हमने यहाँ पे कैसे बनाना है तो देखिए सारे फंदे जो इस कलर से बने हैं ऐसे ही बना लेंगे धागा पीछे करेंगे फिर हमने क्रॉस पे रख लेना है देखिए ये धागा आगे लेके आएंगे क्रॉस पर रखते हुए तीन फंदे हम पिंक कलर से बना लेंगे बैक साइड पर करेंगे धागे को एक फंदा सीधा बनाएंगे तो देखिए फिर से आ जाएंगे बैक साइड पे बैक साइड पे फिर से हमने देखिए धागे को लपेट लेना है और एक फंदा बढ़ाएंगे तीन फंदे फिर से पिंक कलर से बना लेंगे एक फंदा बचेगा इसको हमने इस कलर से बना लेना है देखिए एक दो तीन चार पाँच पांच फंदे बनाए दो फंदे फिर से छोड़ देने हैं आ जाएंगे फ्रंट साइड पे पूरी रो बना के कंप्लीट कर लेंगे देखिए फिर से आ गए बैक साइड पे अगेन हमने बैक साइड पे क्या करना है फिर से एक फंदा ये बढ़ाना है और तीन फंदे पिंक कलर से बना लेंगे देखिए एक दो और ये तीन फिर से एक फंदा बच रहा है इसको हमने देखिए इस कलर से बना लेना है देखिए एक दो तीन चार चार फंदे बनाए फिर से हमने दो फंदे छोड़ देने यहीं से ही आ जाएंगे फ्रंट साइड पर अब क्या करेंगे जो फंदे जैसे हैं बना के कम्प्लीट कर लेंगे तो देखिए यहाँ पे मेरे इस साइड को बारह फंदे थे ना तो हमने देखे छः फंदे पिंक कलर से छोड़े छः फंदे इस कलर से छोड़े तो यहाँ पे हमने एक दो तीन चार पाँच छः छः बार फंदे छोड़ दिए हैं तो ये दो दो फंदे हैं तो बारह फंदे अब तक हमने छोड़ दिए हैं और यहाँ पे अब हमारे जो बढ़ाए हुए फंदे हैं ना वो हैं तो ये सात फंदे हैं देखिए दो चार छः एक सात हमने हर बार बैक साइड पे एक एक फंदा बढ़ाया तो यहाँ पे मैंने अब तक टोटल टो सात फंदे बढ़ा लिए हैं और यहाँ पे दो दो करके बारह फंदे छोड़ दिए हैं अब हमने क्या करना है यहाँ पे देखिए अब जैसे हमने फंदों को बढ़ाया था ना अब हमने कम करना है और जैसे हमने दो दो करके कर फंदे छोड़े थे अब दो दो करके बना लेंगे तो बहुत ही ईजी है देखिए ध्यान से देखना आप लोग ये वाला फंदा ये वाला फंदा दो का एक करना है एक फंदा बच रहा है पिंक का इसको बना लेंगे अब हमने क्या करना है तीन फंदे हमने पिंक के बनाने हैं तो देखिए एक फंदा ये वाला भी बना लेंगे तो अब हमारे तीन फंदे पिंक के हो गए कलर चेंज करेंगे देखिए फिर से हमने यहाँ पे एक दो तीन तीन फंदे तो ये बना लिए अब हमने क्या करना है दो दो करके ये वाले फंदे भी बनाने हैं तो देखिए दो फंदे ये वाले बना लेंगे चार और ये पाँच इस कलर से भी पाँच फंदे हो गए यहीं से ही आ जाएंगे फ्रंट साइड पर पूरी रो बना के कम्प्लीट कर लेंगे देखिए फिर से आ गए बैक साइड पे अगेन हमने यहाँ पे ये दो फंदे का एक करना है देखिए एक दो फिर ये फंदा भी बनाएंगे एक फंदा और बनाएंगे तीन फंदे बना लेंगे पिंक कलर से फिर कलर चेंज करेंगे देखिए इस कलर से हमने एक दो तीन पहले तो ये चार फंदे बनाए अब हमने क्या करना है दो फंदे यहाँ से बनाना है तो यहाँ पे देखिए काफ़ी गैप हो जाएगा ऐसे ही बनाएंगे तो यहाँ से एक फंदा उठाएंगे फंदा बढ़ाना नहीं है देखिए ये वाला फंदा ये जो हमने उठाया था और ये फंदा दो का एक करेंगे एक फंदा और बना लेंगे देखिए दो फंदे बना लिए यहीं से आ जाएंगे फ्रंट साइड पर पूरी रो बना के कंप्लीट कर लेंगे फिर से आगे बैक साइड पे देखिए दो फंदे का एक करेंगे तीन फंदे पिंक कलर से बना लेंगे देखिए एक दो और एक ये वाला फंदा तीन फिर से कलर चेंज करेंगे और देखिए एक दो तीन चार पाँच पाँच फंदे बनाए दो फंदे और बनाएंगे यहाँ से एक फंदा उठा लेंगे ये वाला फंदा और ये वाला फंदा दो का एक करेंगे छः और ये सात सात फंदे हो गए हमारे ये वाले कलर से अब यहीं से ही आ जाएंगे फ्रंट साइड पे पूरी रो बना के कंप्लीट कर लेंगे देखिए फिर से आ गए बैक साइड पे तो देखिए अब हमने यहाँ पे ये जो ये वाले कलर के फंदे थे सारे ही बना लिए हैं अब हमारे ये छः फंदे पिंक कलर वाले बचे हैं तो फिर से हमने क्या करना है दो का एक करना है देखिए एक फंदा कम किया और अब हम क्या करेंगे ये जो बाकी के फंदे हैं ना ये वाले ये भी पिंक कलर से बना लेंगे तो देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ नौ फंदे हो गए ये अब हमने एक फंदा यहाँ पे यहाँ से उठा लेना है और देखिए अब हम पिंक कलर वाले फंदे दो दो करके बना लेंगे देखिए नौ दो का एक करेंगे ये दस और ये ग्यारह अब यहीं से ही आ जाएंगे फ्रंट साइड पे पूरी रो बना के कंप्लीट कर लेंगे देखिए फिर से आ गए बैक साइड पे अगेन हमने दो फंदे का एक करना है एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस देखिए दस फंदे हमने बना लिए अब हमने क्या करना है दो फंदे और बनाने हैं तो देखिए एक फंदा यहाँ से उठाएंगे ये वाला फंदा ये वाला फंदा दो का एक करेंगे ग्यारह और ये बारह बारह फंदे बनाए अब यहीं से आ जाएंगे फ्रंट साइड पे पूरी रो बना के कंप्लीट कर लेंगे फिर से आगे बैक साइड पे देखिए अब हमारे पिंक कलर से दो ही फंदे बचे हैं तो क्या करेंगे देखिए फिर से हमने दो फंदे का एक करना है एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस और ये ग्यारह फिर से हमने ये दो फंदे बनाने हैं तो एक फंदा यहाँ से उठा लेंगे ये वाला फंदा ये वाला एक कर लेंगे और ये नेक्स्ट फंदा भी बना लेंगे अब यहीं से ही आ जाएंगे फ्रंट साइड पे, फ्रंट साइड पे पूरी रो बना के कंप्लीट कर लेंगे तो देखिए फ्रंट साइड से पूरी रो बना ली है अब हमारे यहाँ पे देखिए तेरह फंदे हैं दो चार छः आठ दस बारह एक तेरह अब तक हमने यहाँ पे छः फंदे कम कर लिए हैं एक फंदा हमने और कम करना है तो यहाँ पे हमारे पिंक कलर के अब सारे ही फंदे कम, हमारे यहाँ पे ख़त्म हो गए हैं अब क्या करेंगे यहाँ से हम ये कलर लगाएंगे और ये वाला फंदा ये वाला फंदा दो का एक करेंगे धागे को यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे तो देखिए हमने अब यहाँ पर सात फंदे हमने पूरे कम कर लिए हैं तो देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह और ये बारह बारह फंदे हमारे हो गए हैं जो हमने डिजाइन के रखे थे अब क्या करना है ये जो बारह फंदे हमने दो दो करके छोड़े थे ना इनको भी अब हमने साथ में ही बना लेना है तो यहाँ से एक फंदा उठा लेंगे देखिए और ये वाला फंदा ये वाला दो का एक कर लेंगे तो देखिए तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस और ये चौबीस देखिए अब हमने ये एक कली यहाँ पे बना के कम्प्लीट कर ली है अब आप लोगों ने क्या करना है नेक्स्ट कली बनाने के लिए जैसे हमने फर्स्ट रो बनाई थी ना यहाँ से देखिए फिर से हमारा ये देखिए यहाँ पे सारे इसी कलर से फंदे आ गए हैं तो आप लोगों ने क्या करना है जैसे हमने यहाँ पे से बनाना स्टार्ट किया था ना फर्स्ट रो से फिर से बनाना स्टार्ट कर लेना है अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है नहीं समझ में आया है तो क्या करना है आप लोगों ने फिर से वीडियो को स्टार्टिंग से देखना है और स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लेना है देखिए आप लोगों को एक कली बनानी आ गई ना तो समझ लीजिए सारी कलियां एक जैसी ही बनानी है तो आप लोगों का जो डोरमेट है वो इसी तरीके से पूरा बन के कंप्लीट हो जाएगा तो यहां पर देखिए आप लोगों ने फिर से इसी पैटर्न को फिर से रिपीट कर लेना है यहां से यहां तक और ये खूबसूरत सा डोरमेट बना लेना है यहां पे जो मेरा डोरमेट है वो बन के कंप्लीट हो गया है अब मैं क्या करूंगी यहां से फ्रंट साइड से सारे ही फंदे ये मैं बंद कर लूँगी और यहाँ पे आ, उसके बाद में सिलाई कर दूंगी सेंटर पे कोई पॉम पॉम या कोई फ्लावर या कोई बटन लगा लेंगे तो ये जो मेरा डोरमेट है या इसको थाल -पोस की तरह किसी भी तरीके से यूज कर सकते हो तो ये कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोगों को कैसी लगी वीडियो कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइए अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरे से कमेंट करके भी पूछ सकते हो मैं आपके कमेंट का आंसर जरूर करूँगी तो दोस्तों अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए बेलाइकन को भी दबा दीजिए ताकि मैं इस तरीके की कोई भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक आ जाए और वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगती हो ना तो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिए तो मिलते हैं इसी तरीके की अच्छी अच्छी वीडियो के साथ तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय